जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सब आप लोग बढ़िया होंगे। एंड ये वीडियो आप लोगों के पास आ रही है ट्यूब टॉक चैनल की टीम की तरफ से। और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं 2023 में रिलीज होने जा रही काफी बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज के बारे में। 2022 जो है काफी ज्यादा बेहतरीन रहा, हमें काफी बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज देखने को मिली। कुछ फ्लॉप हुई बट कुछ ने जो है बहुत अच्छी कलेक्शन करी, एंड कलेक्शन के मामले के अंदर उन्होंने बॉलीवुड मूवीज तक को बीट कर दिया। सो इसीलिए लोग जो है आप काफी ज्यादा एक्साइटेड है 2023 के लिए, बिकॉज 2023 में भी काफी बेहतरीन पैन इंडिया मूवीज आने वाली हैं, जिनकी की लिस्ट हमने आप लोगों के लिए बना दी है। सो ये लिस्ट बनाने में हमें लगा काफी ज्यादा मेहनत, तो अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइस, आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए इस कमाल की वीडियो को सो बात करो लिस्ट की पहली मूवी की, तो वो होने वाली है दशहरा। तो दशहरा एक अपकमिंग एडवेंचर एक्शन मूवी होने वाली है, जिसके की लीड के अंदर हमें नानी दिखने वाले हैं, साथ साथ उनके कीर्ति सुरेश भी लीड के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और ये तेलुगु लैंग्वेज मूवी होने वाली है, जिसके के अंदर हमें कहानी दिखने वाली है कोल माइन की फैक्ट्री की, जहाँ पर के कुछ जो वर्कर्स वगैरह की जिसके अंदर की नानी है उनकी हमें कहानी दिखने वाली है। सो ये कॉन्सेप्ट जो है तुम्हें दो फिल्मों का जो है मिला जुला जो है मिक्सचर लग रहा होगा, एक पुष्पा और एक KGF का। तुमने बिल्कुल सही समझा, ये कुछ इस टाइप की मूवी होने वाली है जिसके अंदर की भर कर जो एक्शन एंड मास जो होगा, जिसको कि लोग देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करें। हालांकि जो है नानी की जो है इससे पहले कोई पैन इंडिया मूवी रिलीज नहीं हुई है, बट ये मूवी जो है हिंदी तमिल तेलुगु एंड और अदर भाषाओं के साथ रिलीज हो रही है इंडियन थिएटर्स में। सो अगर तुम लोग नानी के फैन हो, अगर तुमने उनकी जर्सी मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि वो कितने बेहतरीन एक्टर है। सो ये मूवी रिलीज होगी 30 मार्च 2023 को। अगर तुम नानी के फैन हो तो इस मूवी को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। सो बात करो लिस्ट की अगली मूवी के तो बारे में, वो होने वाली है हनुमान। तो हनुमान एक अपकमिंग सुपर हीरो मूवी होने वाली है, जो कि पार्ट होने वाली है प्रशांत वर्मा के सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स का। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा जो है अपना खुद का जो है एक सुपर हीरो यूनिवर्स बना रहे हैं, जिसकी जो पहली मूवी है वो ये हनुमान होने वाली है। एंड हनुमान मूवी की आपके खास बात बता दूँ, इसके लीड के अंदर में तेजा साय एंड अमृता अय्यर एंड वारालक्ष्मी दिखने वाले हैं। और इस मूवी का पहली मूवी बताया जा रहा है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की। इस मूवी का हाल ही में जो है ट्रेजर जो है लॉन्च किया गया, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को जो है 11 लैंग्वेजेस के अंदर जो है पैन वर्ल्ड पर रिलीज किया जाएगा। जी आपने बिल्कुल से सुना, ये मूवी पैन वर्ल्ड रिलीज होने वाली है। और अभी ये जो इसकी रिलीज डेट अनाउंस हुई है वो हुई है 12 मई 2023 की। तो अगर तुम लोग हनुमान मूवी के लिए एक्साइटेड हो, एक सुपर हीरो मूवी के लिए एक्साइटेड हो, तो कमेंट डाउन कर जरूर बताओ। तो बात करो लिस्ट की तीसरी मूवी की, तो वो होने वाली है कब्जा। तो कब्जा एक अपकमिंग थ्रिलर ड्रामा मूवी होने वाली है, जो कि कनाडा सिनेमा की तरफ से आ रही है। एंड कनाडा सिनेमा के बारे में मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हमें जो है KGF चैप्टर 2 और ऐसे काफी बड़ी बड़ी मूवी जो हमें देखने को मिली है। सो उसी टाइप की ये मूवी होने वाली है, जिसके की लीड के अंदर हमें उपेंद्रा राव, श्रिया सारना, किच्चा सुदीप, मनोज वाजपेयी एंड कबीर दुहल सिंह जैसे काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स दिखने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको डायरेक्ट करने वाले हैं आर चंद्रू। एंड इसमें हमें कहानी दिखाई देखने वाली है एक ऐसे जो है फ्रीडम फाइटर के बेटे की, जो कि फंस जाता है एक माफिया वर्ल्ड के अंदर, एंड कैसे उस माफिया वर्ल्ड का जो है वो बादशाह बनता है। और इसकी जो कहानी है वो सेट होने वाली है 1947 से लेकर 1984 के पीरियड के बीच में। एंड ये एक मास एंटरटेनर मूवी होने वाली है, जिसको कि लोग जो है KGF से कंपेयर कर रहे हैं जब इसका टीजर लॉन्च हुआ। और ये मूवी भी जो है हिंदी तमिल तेलुगु एंड हर भाषा में रिलीज होगी। सो इस मूवी की जो रिलीज डेट है अभी अनाउंस नहीं करी गई है, बट जरूर आपको ये मूवी जो है 2023 के जो है फर्स्ट हाफ के अंदर देखने को मिल जाएगी। बात करो लिस्ट की अगली मूवी की, तो होने वाली है PS पार्ट 2, यानी कि पोनियन सेल्वन पार्ट 2। तो 2022 में रिलीज हुआ पोनियन सेल्वन पार्ट 1 ने जो है काफी बेहतरीन तबाही मचाई एंड बॉक्स ऑफिस के ऊपर है काफी अच्छी कलेक्शन करी। हालांकि इंडियन जो है बेल्ट के अंदर इतनी ज्यादा मूवी की हाइप नहीं थी, बट फिर भी इंडियन बेल्ट के अंदर जो है मूवी ने काफी अच्छा बिजनेस करा। तो अब जो है इसका जो है पार्ट 2 भी जो है अनाउंस हो चुका है, जिसके अंदर की हमें मूवी के लीड के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, कार्ती, त्रिशा एंड ऐसे काफी और बड़े बड़े एक्टर फिर से रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को भी डायरेक्ट जो है मणिरत्नम करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले जो इसका पहला पार्ट डायरेक्ट करा था। और बैक टू बैक ये मूवी जो है बनकर तैयार है, इसीलिए इनको पता था कि हाँ हमें मूवी को साथ ही रिलीज करना है। तो सितंबर में रिलीज हुआ था इसका पहला पार्ट, एंड अब जो इसका सेकेंड पार्ट है वो 28 अप्रैल को जो है इंडियन थिएटर्स में आने वाला है। हिंदी तमिल तेलुगु एंड और अदर भाषाओं के अंदर साथ साथ इसे जो है इंडियन थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो अगर तुम लोग
कॉन्शियस सेल्वन पार्ट वन तुमने देखा था एंड तुम्हें वो अच्छा लगा था तो डेफिनेटली तुम लोगों को इसका पार्ट टू भी जरूर चेकआउट करना चाहिए। सो बात कर लेते हैं इसकी अगली मूवी की, तो वो होने वाली है इंडियन 2। एंड इंडियन 2 एक अपकमिंग थ्रिलर मूवी होने वाली है जो कि सीक्वल होने वाली है 1996 माई इंडियन मूवी का। एंड इस मूवी के लीड के अंदर हमें दिखने वाले हैं कमल हसन, काजल अग्रवाल, गुरु सोमा सुंदरम जैसे काफी बड़े बड़े एक्टर्स। एंड इस मूवी को बनाया जा रहा है लाइका प्रोडक्शन के अंडर एंड इसको भी डायरेक्ट करने वाले हैं एस शंकर, जिन्होंने कि इससे पहले जो है रोबोट 2.0 एंड ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी मूवी जो है इंडियन सिनेमा को दी हुई है। एंड अनिरुद्ध रविचंद्र देने वाले हैं इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। और अभी के लिए इस मूवी की जो है शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। इस मूवी का जो बजट है वो 200 करोड़ रखा गया है। सो जल्दी तुम्हें ये मूवी जो है 2023 के जो है मीट के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये मूवी एक पैन इंडिया रिलीज होगी जिसको कि हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड और अदर भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। बात करूं लिस्ट की अगली मूवी की, तो वो होने वाली है जवान। तो जवान एक अपकमिंग जो है क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी होने वाली है जिसके की लीड के अंदर हमें शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, सनाया मल्होत्रा, योगी बाबू एंड कैमियो के अंदर हमें दिखने वाले हैं विजय थालापति विजय। तो तुम लोग देख ही सकते हो यार ये मूवी की जो कास्ट भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। साथ साथ इस मूवी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एटली कुमार, जिन्हें इससे पहले मार्शल एंड ऐसी काफी बड़ी बड़ी जो है विजय के साथ मूवी बनाई हुई है। सो मैं तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और इस मूवी को मैं बता दूं कि जो है बहुत ही बड़े बजट के ऊपर बनाया जा रहा है और ये मूवी बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है जिसको कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम हर भाषा में रिलीज किया जाएगा। अभी के लिए इसकी रिलीज डेट जो है 2 जून 2023 की है। अगर तुम लोग शाहरुख खान के फैन हो और एक पैन इंडिया मूवी जिसके अंदर इतने काफी बेहतरीन एक्टर है तुम लोग देखने जाओगे थिएटर्स में या फिर नहीं, हमें कमेंट ऑन कर जरूर बताना। बात करो इसकी अगली मूवी की, तो वो होने वाली है पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रूल। एंड ये मूवी जो पार्ट 2 होने वाली है पुष्पा द राइस मूवी का, जो कि 2021 की जो है काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी एंड लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उसके पार्ट 2 के लिए। सो मैं आप लोगों को बता दूं डायरेक्टर जो है फिर से वापस अपनी मूवी की जो है बैक टू बैक जो है जोरों शोरों पर लग चुके हैं इस मूवी की शूटिंग के साथ। और हमें जो है फिर से रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं अल्लू अर्जुन के साथ, रश्मिका मंदाना एंड फहद फासिल एंड और भी जो है काफी बड़े बड़े एक्टर्स इस मूवी के साथ जुड़ने वाले हैं। एंड डायरेक्टर सुकुमार का कहना है कि इस बार ये मूवी एक और जो है बड़े पैमाने के रिलीज होगी बिकॉज के जो है पार्ट वन को जो है हिंदी बेल्ट के अंदर भी काफी ज्यादा प्यार देखने को मिला था। सो यार जो इसकी शूटिंग जो जोरों शोर से चल रही है एंड इस मूवी को रिलीज किया जाना है हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड और अदर भाषाओं में भी, और तुम मानकर चल सकते हो कि इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2023 के एंड तक। बात करो लिस्ट की अगली मूवी की, तो वो होने वाली है RC15। तो RC15 जो एक अपकमिंग रामचरण तेजा की जो मूवी होने वाली है एंड रामचरण तेजा के साथ हमें इस मूवी के अंदर दिखने वाली हैं कियारा आडवाणी, साथ ही साथ जो और बड़े बड़े एक्टर, और इसे भी डायरेक्ट कर रहे हैं एस शंकर यानी कि जिन्होंने रोबोट 2.0 और अभी जो हाल फिलहाल में इंडियन 2 बना रहे हैं। और इस मूवी का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को जो है 170 करोड़ के बजट के ऊपर बनाया जा रहा है। अभी के लिए इस मूवी का जो है नाम तक अनाउंस नहीं करा गया है, इसीलिए इसका जो वर्किंग टाइटल है RC15 उसी के नाम पर इसको जो है जो अभी जो है हाइप में है ये मूवी। और ये पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसको कि प्रोड्यूस कर रहे हैं दिल राजू। एंड जल्दी जो है तुम्हें 2023 के जो है मिड में या एंड तक जो है ये मूवी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी अगली मूवी की, तो वो होने वाली है सलार। सो सलार एक अपकमिंग एडवेंचर एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके लीड के अंदर में प्रभास, पृथ्वी, सुकुमारन, श्रुति हसन जैसे काफी बड़े एक्टर दिखने वाले हैं। एंड इस मूवी को डायरेक्ट करने जा रहे हैं प्रशांत नील, और कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है पार्ट होने वाली है KGF सिनेमैटिक यूनिवर्स का। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, हालांकि अब बिल्कुल कंफर्म नहीं करा गया है, बट लोगों का मानना यही है कि ये मूवी जो पार्ट होने वाली है KGF यूनिवर्स का। और मैं तो इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी के लिए इस मूवी की जो है शूटिंग के साथ जोरों शोरों पर चल रही है एंड देन फिर इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। एंड इस मूवी को बनाया जा रहा है कुल 200 करोड़ के बजट के ऊपर। अभी के लिए जिसकी रिलीज डेट जो फाइनलाइज करी गई है 28 सितंबर 2023 की, और इस मूवी को भी रिलीज किया जाना है हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड और अदर भाषा में। सो अगर आप लोग एक्साइटेड है सलार मूवी के लिए सो कमेंट डाउन कर जरूर बताएं। सो बात कर रहे थे लिस्ट की आखिरी मूवी की, जो कि होने वाली है थालापति 67। थालापति 67 एक अपकमिंग गैंगस्टर एक्शन स्टोरी क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके कि लीड के अंदर में दिखने वाले हैं थालापति विजय के साथ संजय दत्त, पृथ्वीराज, सुकुमार एंड त्रिशा कृष्णा जैसे काफी बड़े बड़े एक्टर्स। और इस मूवी की जो है स्टार कास्ट के साथ काफी बेहतरीन तो है ही, साथ ही साथ इस मूवी के जो डायरेक्टर है लोकेश कनकराज वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, जिन्होंने की इससे कैथी, विक्रम जैसी काफी बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज
मूवीज़ दी हुई हैं एंड ये मूवी भी जो है पैन इंडिया मूवी होने वाली है जिसको कि हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ और अदर भाषाओं में भी रिलीज़ किया जाएगा। एंड इस मूवी को काफ़ी बड़े जो है स्केल के ऊपर बनाया जा रहा है और इस मूवी को जो है अक्टूबर के मंथ में जो है रिलीज़ किया जाना है। तो आप लोगों को ये मूवी जो है अक्टूबर 2023 में देखने को मिल जाएगी। तो यहीं पर हमारी इस बेहतरीन लिस्ट का अंत होता है। होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशंस और वीडियोस बनाने के लिए मिलती रहें।